नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों से। जगदलपुर में बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के मुख्य संयोजक और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला अध्यक्ष नवनीत चांद शहर में वार्ड के बाद बस्तर के गांव-गांव पहुंचे, जहां उन्होंने जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों के बीच अपने अधिकारों और मांगों को लेकर उन्हें जागरूक भी किया है। साथ ही जगदलपुर ग्राम ब्लॉक के अलनार ग्राम पंचायत के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। संयुक्त कलेक्टर मैडम से जो मिले हैं वो हमको आश्वासन दिया है कि आने वाले दिन में अच्छा होगा करके। हम यही चाहते हैं कि हमारा जो सुविधा है, अपन जो जैसे गांव में जो दूषित पानी है उसको पी के हम परेशान हैं, 2 किलोमीटर दूर से लाते हैं और वो जो पानी पीना आयरन युक्त पानी है, तो इसलिए हम उस आयरन युक्त पानी को फिल्टर करने के लिए हम कलेक्टर साहब से जो है गुहार लगाए हैं। अब ये सब चीज़ को कलेक्टर साहब जानेंगे और इसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर हम एक बार फिर से आने के तैयार हैं। नहीं यार, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, आवास प्लाट भी नहीं मिल रहा है। तो अभी आपने किन उच्च अधिकारियों से मुलाकात की? कलेक्टर। क्या कहा कलेक्टर साहब ने? सब कुछ सुविधा होगा। सब कुछ सुविधा हो जाएगा। संपूर्ण ग्रामवासी अपनी समस्याओं से अवगत कराने के लिए जिला कलेक्ट्रेट में पहुंचे थे। संयुक्त कलेक्टर से मुलाकात कर उन्होंने अपनी समस्याओं के समाधान का ज्ञापन सौंपा है। जहां एक तरफ कांग्रेस की सरकार में ये कहा जा रहा है भूपेश है तो भरोसा है, वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र विधायक लगातार बुढ़ियों का दौरा कर कह रहे हैं कि वो संवेदनशील विधायक है और उन्हें जनता की आवश्यकताओं का ज्ञान है। ये सब के सब बातें यदि वास्तव में ज़मीनों का भ्रमण किया जाए तो ये सब झूठे वादे हैं और झूठी बातें हैं। इस बात का प्रमाण है कि आज अलनार ग्राम पंचायत के वासी कलेक्ट्रेट तक मूल आवश्यकताओं की मांग को लेकर पहुंचे। जगदलपुर में कलेक्टर विजय दयाराम ने जुगत महरा शासकीय बहुदेशी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान विजय ने कहा कि वैज्ञानिक चेतना एवं जिज्ञासा तभी जागृत होगी जब विद्यार्थी स्वयं प्रयोगों को निरंतर करता रहे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को एक दिन सैद्धांतिक पाठ पढ़ाने के दूसरे ही दिन उसका उपयोग कर लेना चाहिए। सरगुजा में शासकीय भूमि को निजी मद में करने का मामला लगातार सामने आ रहा है। वहीं ताजा मामला बतौली क्षेत्र का है, जहां शासकीय भूमि को निजी मद में करने के बाद अब बड़ा मामला मैनपाट इलाके से निकलकर सामने आ रहा है, जहां 1000 एकड़ की शासकीय भूमि को पटवारी तहसीलदार सहित अन्य कर्मचारी की मदद से निजी व्यक्ति के नाम से पट्टा बनाया गया। इतना ही नहीं, उस शासकीय भूमि को निजी मत में दर्ज कराकर धान का विक्रय बैंकों से ऋण लेकर लगभग 100 करोड़ रुपए गबन का आरोप लगाया गया। पता चली मंत्री के पास जाके भी वो लोग कागज दे देखे, ये दूसरा बार है कलेक्टर में आके दूसरा कागज दें। काकर काकर नाम से जमीन दिखाई, विजयनाथ यादव परिवार के नाम से ही पूरा जमीन दिखाया। तो कैसे इतना कर ले से जमीन कब्जा? पटवारी तहसीलदार मन घूस दे देके। अच्छा। हाँ, कौन पटवारी जो दही सोई का लगे? अनिल माथा पटवारी, सुधीर सिंह और चंद कुमार पटवारी, तीनों पटवारी के द्वारा ये काम किया गया है। तो कैसे ऐसे कर लेते हैं पटवारी से? पैसा दार हैं भाई, पैसा दे दे के सब पूरा। बार एक बार नहीं है, दूसरा बार है हमला। कलेक्टर ऑफिस आए अथनोहर, कलेक्टर ऑफिस में एसडीएम साहब जग, तहसीलदार जग, पटवारी जग, पूरा ये दूसरा बार है। दो दी बार आ चुके हैं तब कोई सुनवाई नहीं हो पाते। हमार कितना गड़बड़ हुई थी जमीन? 1000 लगभग हमारे ओभर में होगी जमीन, 1000 एकड़। कौन किया है? विजयनाथ छोटन परिवार के ही ज्यादा। कैसे ऐसे कर लेते हैं सरकारी जमीन? अब वो तो तहसीलदार पटवारी साहब बताएंगे कि कैसे कर लेते हैं, क्योंकि भाई उन्हीं का हाथ है इसमें, वही लोग बनाते हैं पट्टा उट्टा फर्जी पट्टा। कैसे पता चला आप लोगों? जब से ऑनलाइन हुआ है ये फर्जी पट्टे से चढ़ गई है और स्कूल रोड और सब में पट्टा दे दिया गया है, तो उसको एसडीएम को मैंने जाँच करने के निर्देश दिए हैं और इसमें संबंधित जो राजस्व अधिकारी हैं पटवारी तहसीलदार, इनकी भी भूमिका संदिग्ध बता रहे हैं। तो एक बार जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कहना उचित कुछ होगा। करीब 60 से 70 ग्रामीण आए थे और उसको उनको मैंने सुना और कुछ लोगों के नाम पे रजिस्ट्री भी हो गई है, उन्होंने एक ही टुकड़ा। तो उसमें यही बोलते हैं कि हम
मंत्री का प्रतिनिधि है करके मतलब उसे करके बनवाए हैं विजय ना। कितना एकड़ जमीन पर लड़ा है? लगभग 1000 एकड़ है, तो उसमें 3 पंचायत का है अलग अलग पंचायत, उरंगा, बैरमा, नर्मदापुर। अभी तुम कहाँ आए हैं, कितना संख्या में आए हैं, क्या चाहते हैं? अभी हम लोग 60 आदमी का संख्या में हैं। सत्ती जिले से रामेश्वर तीर्थ यात्रा के लिए गए लोगों के साथ वापस लौटते समय ओडिशा राज्य में मारपीट करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि तीर्थयात्री यात्रा कर ओडिशा के रास्ते वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान वापस लौटते समय रास्ते में टोल नाके में यात्रियों से ज़्यादा पैसों की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर बस और नाका के कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि टोल नाका के कर्मचारियों ने बस में बैठे तीर्थयात्रियों से मारपीट की। पूरे मामले का वीडियो शेयर करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने नाराजगी व्यक्त करते हुए ओडिशा प्रशासन से तत्काल संज्ञान लेने की मांग की है। सरगुजा जिले के रहने वाले दिव्यांग कृष्ण पैकरा के पिता का साया सर से उठ जाने के बाद से उसकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। आर्थिक स्थिति से जूझ रहे दिव्यांग ने अपनी बहन की शादी के लिए मदद की गुहार कलेक्ट्रेट से लगाई। कलेक्ट्रेट ने संज्ञान लेते हुए जन दर्शन में आए सभी अधिकारियों से चंदा इकट्ठा करके 25,000 से ज़्यादा की धनराशि उपलब्ध कराने की बात कही। राशि के उपलब्ध होने के बाद घर पहुंचा दिया गया। कृष्णा पैकरा जी हैं, वो अपनी घर में उनकी शादी है, उसके लिए उनको मदद चाहिए थी, तो अधिकारियों ने चंदा करके और जो उनको शादी के लिए चाहिए वो करके दिया है सभी अधिकारियों ने जिला प्रशासन को। मुझे लगता है कि इस पैसे से फिर इनके जीवन में आगे जो भी चीज़ें हैं और जो शादी जो सबसे बड़ा एक वो होता है उसमें इनको कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। कृष्णा पैकरा ग्राम कर जी सहेब बहन के शादी के लिए सहेब राशि रेब कलेक्टर ऑफिस आए रहे हैं, तो क्या कहें, तो अब घर में जाके ये सब बोली का बोली देवो। तो कितना आर्थिक तंगी रही तुम्हारे घर, परेशानी कैसे रही? परेशानी अब शादी बहन का शादी नहीं हुआ तो परेशानी ही परेशान रही, तो कुछ सहेब राशि में जाए तो अच्छा रही। तो कैसे लगा तब दे थे कलेक्टर साहब? अब दे थे तो कुछ अच्छा महसूस हुआ। ठीक छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने बचे हैं, जिसको लेकर भाजपा ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं सहित जिले के पदाधिकारियों को अपनी रणनीति बताए जाने की कोशिश की है। वहीं सरगुजा संभाग के दौरान पहुंचे भाजपा संभाग प्रभारी संजय श्रीवास्तव ने कहा कि बूथ सशक्तिकरण का काम 100% तक पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही कहा कि भाजपा संगठन अधिकारित पार्टी है, जिसकी कांग्रेस नेता आधारित। भूपेश बघेल की सरकार के समय कोई एक ऐसा मंत्री नहीं, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री, जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। सरगुजा के जो सीतापुर क्षेत्र के विधायक हैं, मंत्री हैं अमरजीत भगत, विगत दिनों आप लोगों ने मीडिया के अंदर में देखा कि किस तरीके का जमीन का घोटाला, अर्थात सरकारी जमीन की जो लूट, जो हमारा हमेशा से आरोप रहता है कि जब तक कांग्रेस की सरकार आती है प्रदेश के अंदर में, देश के अंदर में लूटपाट का काम जिस तरीके से होता है, उसका शानदार उदाहरण माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में दिखाई दिया। अंबिकापुर से पथलगांव राष्ट्रीय राजमार्ग 43 का भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने खस्ता हाल सड़कों को लेकर 2 घंटों तक सड़क में चक्का जाम कर दिया। साल 2016 में केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृत के 7 साल बाद भी सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। राहगीर सरगुजा संभाग प्रभारी संजय श्रीवास्तव ने नेतृत्व में ये चक्का जाम किया गया है। चक्का जाम के चलते बड़े वाहनों को लंबी कतारें भी देखने को मिली हैं।
यहाँ पे कार्य की धीमी गति के चलते भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चक्का जाम किया गया था, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम उपस्थित हुए थे। कितने किलोमीटर की सड़क बननी है और कितने लागत की? 74 किलोमीटर की सड़क बननी थी। एक्चुअल में शुरू में तो 95 किलोमीटर की सड़क थी, 423 करोड़ में बननी थी, जिसमें से 3 बाईपास अंबिकापुर, सीतापुर और पत्थल गाँव को डी स्कोप कर दिया गया है। तो अब 74.6 किलोमीटर ही सड़क बनानी थी, जिसमें से 70 किलोमीटर सड़क बन गई है, 4.6 किलोमीटर सड़क बची हुई थी, जिसमें से अभी प्रगति जनवरी के बाद से प्रगति होते हुए अब लगभग 2.5 किलोमीटर और सड़क बननी बची है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जिस सड़क का स्वीकृति, जिसका काम प्रारंभ हो गया वर्ष 2016 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में, केंद्र से राशि स्वीकृत हुई, डॉक्टर मोहन सिंह की सरकार के समय जो काम प्रारंभ हुआ 2016 से काम चालू हुआ, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार के लगभग 5 साल पूर्ण हो रहे हैं, लेकिन इस सड़क का निर्माण आज तक पूरा नहीं हुआ। लगातार अल्टीमेटम बीजेपी दे रही है, समय समय पर ज्ञापन दे रही है कि सड़क का निर्माण करें, लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन इस पर कहीं भी द्रुतगति से नहीं है। जो सूचनाएं प्राप्त होने की भ्रष्टाचार के कारण, ठेकेदार पर दबाव बनाने के कारण, इस सड़क की गति तेज आगे से नहीं बढ़ रही है। आज चक्का जाम के माध्यम से हमने आम जनता की आवाज़ बनकर आज एक ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री, राज्यपाल जी के नाम से, PWD के अधिकारियों के माध्यम से, कि ये जो सड़क है जो अंबिकापुर से पत्थलगांव की ओर जाती है, राष्ट्रीय राजमार्ग है 43 का, इसका पैसा स्वीकृति सब कुछ है, बावजूद इस पर सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा। अंबिकापुर में शहर के विभिन्न क्षेत्रों सहित शराब की दुकानों पर और खुले में शराब पीने वालों पर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। बता दें कि अंबिकापुर के शहर की यातायात व्यवस्था सहित शराब की दुकानों के आसपास रहने वाले वासियों द्वारा लगातार शिकायतें मिल रही थी कि शराब की दुकानों के आसपास खुले में शराब पीने वाले लोग वजह काफ़ी बड़ी संख्या में एकत्रित हो जाते हैं, जिससे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं शराब की दुकान के बगल में रोजगार कार्यालय होने की वजह से पंजीयन कराने वाले युवा युवतियों को भी असहज महसूस होता है, जिसे देखते हुए सरगुजा एडिशनल SP के नेतृत्व में शराब की दुकानों के आसपास इलाकों में दबिश दी गई। इस दौरान 25 से अधिक लोगों को शराब पीते हुए पकड़ा गया, जिनके ऊपर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं शराब दुकान संचालक को भी फटकार लगाते हुए हिरासत दी गई है कि दोबारा ऐसा किए जाने पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। उन लोगों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज सिविल की विशेष टीम बनाई गई थी, चूँकि वर्दी में और पुलिस की गाड़ी देखकर लोग भागते हैं, तो हमने एक विशेष टीम सिविल की बनाई थी। सिविल टीम जिसमें कि सादी वर्दी में हम लोग यहाँ पर आए थे, साथ में पीछे में वर्दी वाले भी हमारे स्टाफ थे, और उस कारण से जैसे यहाँ गंगापुर शराब दुकान आप देख रहे हैं, यहाँ पे आसपास हमने परसों भी कार्रवाई, कल भी कार्रवाई की थी और आज भी कार्रवाई की है। तो रायगढ़ के चिरायपानी में 11 साल के मासूम बच्चे का शव बरामद मिला है। बता दें कि बीते दिनों से बच्चा लापता था, उसके बाद स्कूल के निर्माणाधीन कमरे में शव मिला। मामले की सूचना मिलने पर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के साथ डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस को दो नाबालिग बच्चों और मृतक की चचेरी बहन से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मामले में जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ की खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।